मित्रों, मैं कन्हैयालाल मॉडर्न विजडम सीनियर सेकेंडरी स्कूल भीमा से 11th क्लास के लिए हिंदी विषय की पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ ऑनलाइन। आपको मैंने कल एक पद पढ़ाया था कबीर का, पहला पाठ अपन काव्य खंड का पढ़ रहे हैं और आज अपन दूसरा पढ़ रहे हैं। दूसरे में भी कबीरदास जी ने हमेशा दिखावे को महत्व नहीं दिया। भक्ति के अंदर पाखंड नहीं होना चाहिए, भक्ति के अंदर दिखावा नहीं होना चाहिए, भक्ति के अंदर अहंकार नहीं होना चाहिए। सब भाव से हमेशा संसार में रहते हुए भी और आध्यात्म में धर्म कर्म में भी रहते हुए भी अपने जीवन को जीना चाहिए, लेकिन उसके अंदर ज्यादा आडंबर नहीं करना चाहिए, पाखंड नहीं करना चाहिए। तो उस पर कटाक्ष करते हुए, पाखंड का विरोध करते हुए इस पद के अंदर अपनी बातें कबीरदास जी कहते हैं। मैं इसको पढ़ता हूं, आप ध्यान से सुनना, आप भी उच्चारित करना और फिर इसके अर्थ को समझने की कोशिश करना। तो संतों देख जगत बोराना, साच कहो तो मारग धावे झूठे जगपति आना, ओ झूठे जगपति आना। रे संतों देखत जग रे बुराना, संतों देखत जग रे बुराना। नैमी देखा गर्मी देखा प्रात करे स्नाना, आत्म मारी पकाने पूजे उनमें कछु नहीं ज्ञाना, अरे उनमें कछु नहीं ज्ञाना। रे संतों देखत जग रे बुराना, रे संतों देखत जग रे बुराना। बहुत तक देखा पीर बोलिया पड़े किते पुराना, बहुत तक देखा पीर ओलिया पड़े कि देव पुराना। के मुरीद तदबीर बतावे, के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना, अरे उनमें उहे जो ज्ञाना। दे संतों देखत जग रे बुराना, रे संतों देखत जग रे बुराना। आसन मारी डिंब दरी बैठे मन में बहुत घुमाना, आसन मारी डिंब दरी बैठे मन में बहुत घुमाना। पी पर पाथर पूजन लागे, पी पर पाथर पूजन लागे, तीरथ गर्व भुलाना, पर तीरथ गर्व भुलाना। रे संतों देखत जग रे बुराना, रे संतों देखत जग। साखी शब्द ही कावत भूले आत्म खबर न जाना, साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबर न जाना। हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुर्क कहे नहीं माना, अरे तुर्क कहे नहीं माना। रे संतों देखत जग रे बुराना, रे संतों देखत जग रे बुराना। आपस में दो लड़ लड़ मुए मर मन काहू जाना, आपस में दो लड़ लड़ मुए मर मन काहू जाना। घर घर मंत्र देत फिरत है, घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना, अरे महिमा के अभिमाना। रे संतों देखत जग रे बुराना, रे संतों देखत जग रे बुराना। गुरु के सहित सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना, गुरु के देखत सिख सब बूढ़े अंतकाल पछताना। कहे कबीर सुनो भाई संतों, कबीर सुनो भाई संतों, ये सब मर्म भुलाना, अरे ये सब मर्म भुलाना। रे संतों
देखत जग देवुरान संतों देखत जग देवुरान के दिक कहो कहा नहीं माने के दिक कहो कहा नहीं माने सहजे सहज समाना अरे सहजे सहज समाना रे संतों देखत जग देवुरान रे संतों देखत जग कबीरदास जी पाखंड पाखंडी लोगों को लक्ष्य करके कहते हैं, दिखावा करने वाले ढोंग करने वाले लोगों के लिए कहते हैं कि संतो भाई देखत जग रे बुराना, ये संतो मुझे तो ये सारा जमाना पागल दिखता है, पागल बोरा नहीं है नहीं पागल बना अज्ञानी बना है ना बावला होता है कि ये जगत जगत जो है बावला हो गया है पागल हो गया है, तरह तरह के ढोंग कर करके ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के आयाम करके जतन करके वो पागल हो गया है, लेकिन वो वास्तविक बात को जानता नहीं है। आगे क्या कहा, साच कहो तो मारण खावे। अब अगर कोई व्यक्ति पाखंड में पड़ा हुआ है, मैं अगर उससे सच्ची बात कहता हूं कि ये दिखावा मत कर, तो सच्चे मन से भगवान को याद कर, तो मुझे मारने दौड़ता है, मेरा पीछा करता है, मुझे मारने दौड़ता है। अगर सच्ची बात बताता हूं तो मारने दौड़ता है और झूठे जगपति आना और झूठी झूठी बातों के ऊपर विश्वास करता है, पतियाना यानी विशेष विश्वास करना कि जो झूठी बातें हैं, झूठी बातें कौन सी कि भाई पूजा करो तो भगवान मिल जाएगा, यज्ञ करो भगवान मिल जाएगा, तीर्थ यात्रा करो भगवान मिल जाएगा, प्रसाद चढ़ाओ भगवान मिल जाएगा, ये सब बातें झूठी है। लेकिन इन झूठी बातों के अंदर वो पाखंडी लोग विश्वास करते हैं, और सच्ची बात अगर मैं बताने चाहता हूँ तो मुझे मारने दौड़ते हैं, क्योंकि जगत के लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रकार का दिखावा करके पागले हो गए, पागल हो गए। आगे कहा कि नैमी देखा धर्मी देखा रात करे असना। अब वो लोग क्या क्या करते हैं, क्या क्या जतन करते हैं कि नित्य नैम करते हैं, हमेशा हमेशा नियम के अनुसार पूजा पाठ इत्यादि धर्म कर्म में लगे रहते हैं, यज्ञ करते हैं और अपनी एक धार्मिक दिनचर्या करते रहते हैं। तो मैंने कई नैमी भी देखे, धर्मी देखे, धर्म कर्म में विश्वास करने वाले देखे और बात प्राप्त करे स्नान अपने आप को शुद्ध करने के लिए, साफ सुथरा बनाने के लिए वो स्नान करते हैं, इस प्रकार मैंने पाखंड करते देखा है। पर आत्म मारी पखानी पूजे उनमें कुछ नहीं ज्ञान है। लेकिन जो लोग अपनी आत्मा को मार करके पत्थर को पूजते हैं, अर्थात आत्मा को नहीं जान करके, आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को नहीं जान करके, और जो पत्थर को बाहर के पत्थर को पूजने जाते हैं उनमें कुछ नहीं ज्ञान, उसके अंदर ज्ञान नहीं होता है। अगर उनके पत्थर पूजने का अगर ध्यान है तो वो थोथा ज्ञान है, वो व्यर्थ का ज्ञान है, वो केवल निस्सार है, दिखावे का ज्ञान है, वास्तविक ज्ञान नहीं है, उनको आत्मा का बोध नहीं है, इसलिए वो ऐसा करते हैं, धर्म ध्यान स्नान पूजा करने का काम करते हैं। तो आत्मा मारी पकानी पूजी, आत्मा को मारकर आत्मा को छोड़कर आत्मा के बारे में नहीं जानकर, और जो पत्थर को पूजते हैं उनके अंदर वास्तविक ज्ञान नहीं होता है। और कहा के मुरीद तदबीर बतावे, सॉरी इसके ऊपर वाले बहुत तक देखा पीर ओलिया पढ़े किताब कुरान, कि मैंने कई पीर ओलिया को देखा, पीर यानी धर्म गुरुओं को देखा, ओलिया यानी संत, मैंने धर्म गुरुओं को संतों को देखा है जो खुद भी बहुत सारी किताबें पढ़ते हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, वैदिक ग्रंथ पढ़ते हैं, हिंदुओं में धार्मिक ग्रंथ पढ़ते हैं, मुस्लिमों के अंदर कुरान शरीफ को पढ़ते हैं। तो ऐसे मैंने धर्म गुरुओं और संतों को कईयों को देख लिया है जो खुद भी पढ़ते हैं और दूसरों को भी अपने उसका ध्यान देते हैं, दूसरों को भी पढ़ाते हैं। ऐसे किताबें पढ़ने वाले जो आत्मा का ध्यान नहीं है, बाहरी दिखावे की बातें बोलने वाले मैंने बहुत धर्म गुरु और संत देखे हैं जो खुद किताबों में लिखी हुई बातों को पढ़ते हैं और दूसरों को भी पढ़ाते हैं। के मुरीद तदबीर बताते और वे
के यानी उन कई है ना मुरीद यानी शिष्य, तदबीर यानी उपाय, यानी कई लोगों को अपना शिष्य बना लेते हैं और वो किताब में लिखी हुई बातों का उपाय बताते हैं भगवान को प्राप्त करने का। उसमें जो लिखी हुई बातें हैं बाहरी दिखावे की बातें हैं, भगवान को प्राप्त करने के लिए वो अपने शिष्यों को भी बताते हैं और उनमें हुए जो ध्यान, लेकिन वास्तव में उनके अंदर कोई ध्यान नहीं होता है, वो केवल पाखंड की बातें अपने शिष्यों को बताते हैं, वास्तविक ज्ञान नहीं बताते। आसन हमारी बिंब धरी घटी, वो हमेशा अपने किसी मंदिर के अंदर मठ के अंदर आश्रम के अंदर आसन मार करके बैठ जाते हैं और साधना का दिखावा करते हैं और डिंब भरते हैं, डिंब धरी घटी यानी अहंकार के अंदर बैठे कि मैं संत पुरुष महापुरुष मेरी बात मानो, वो अहंकार के अंदर दिखावे की साधना करते हैं, यज्ञ के आसन मार कर बैठ करके तपस्या करने का दिखावा करते हैं और घमंड के अंदर बैठे रहते हैं, मन में बहुत अपमान और मन के अंदर बहुत अहंकार रखते हैं, बहुत घमंड रखते हैं कि मैं संत हूँ मैं धर्म हूँ, ऐसा अहंकार लिए हुए संत पुरुष भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। पर पीपर पाकर पूजने लगे, अब वो खुद क्या करते हैं, पीपल को देवता मान करके पूजते हैं, पत्थर को देवता मान करके पूजते हैं, तीर्थ गर्भ बुलाना और वो साधना के नाम पर जगह जगह पर तीर्थ करते हैं, देशाटन करते हैं, धार्मिक स्थानों पर घूमते हैं और इस घमंड के अंदर वास्तविक ज्ञान को भूल जाते हैं। टोपी पहले मांगा पहले छाप तिलक हनुमाना, और वो पाखंडी लोग क्या करते हैं, टोपी पहन लेते हैं, अलग अलग धर्मों के अंदर अलग अलग तरह की टोपी पहन लेते हैं, माला पहन लेते हैं, छापा तिलक लगा लेते हैं, हनुमाना यही लगा ले, कई तरह के छापा तिलक अलग अलग धर्मों के अलग अलग तिलक होते हो, हाँ तो कहा तरह तरह के वो लंबे लंबे बड़े बड़े तिलक लगा लेते हैं। साखी सब ने दावत बोले और जगह जगह पर वाणियां गाते हैं, भजन गाते हैं, साखी शब्द गाते हैं और वास्तविक भगवान को भूल जाते हैं, आत्म खरी न जाने, लेकिन वास्तव में आत्मा की बात को जानते नहीं है कि आत्मा ही परमात्मा है, इस बात को वो जानते नहीं है और दिखावे का खूब भजन करते हैं, साखी शब्द गाते हैं। हिंदू कहे मोहे राम पियारा, अलग अलग संप्रदाय में बैठे हुए रहते हैं, हिंदू कहता है हमें राम अच्छा लगता है, हम राम हमारा प्यारा है, और तुर्क कहे रहमाना, और जो मुस्लिम है वो अपने रहमान को मानने लगता है। इस तरह से अलग अलग संप्रदाय के अंदर अलग अलग बातें लोग पाखंड लोग करते हैं, आपस में दो लड़ ले जुड़े, लेकिन इस धर्म को लेकर के संप्रदाय को लेकर के आपस में लड़ लड़ के कई मर गए, मर मन कहा होता, लेकिन उन्होंने वास्तव में रहस्य को नहीं जाना कि ईश्वर कौन है, ईश्वर कहाँ बैठा है, इस बात को वो जानते नहीं है और आपस में लड़ लड़ के मर रहे हैं। मुस्लिम अपने तरीके से कहता है कि हमें अल्लाह मिलेगा, हिंदू अपने तरीके से कहता है कि भगवान ऐसे मिलेगा, लेकिन कबीरदास जी दोनों का खंडन करते हैं कि किसी संप्रदाय के अंदर घुसने से कोई ईश्वर मिलने वाला नहीं है, किसी धर्म विशेष को मानने से ईश्वर मिलने वाला नहीं है, और क्या करते हो घर घर बंतर देव फिरते, और घर घर अपने शिष्य बना लेते हैं, चेले बना लेते हैं, उन गुरु मंत्र देते रहते हैं और महिमा की महिमा, और किस लिए, अपनी महिमा को बढ़ाने के लिए, अपनी उच्चता को बढ़ाने के लिए, वो जो दिखावे के संत पुरुष हैं धर्म पुरुष हैं वो घर घर जा करके और अपना मंत्र देते रहते हैं, लेकिन वो वास्तव में अपनी उच्चता को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी महिमा को बढ़ाना चाहते हैं। गुरु के सहित सिख्य सब बूढ़े, गुरु के सहित सिख्य सब बूढ़े, अब गुरु के साथ साथ शिष्य भी जो है डूब गए हैं अंतकाल पछताने, और वे शिष्य जो है अंत में खुद भी डूबते हैं, खुद भी डूबते हैं और शिष्य को भी डुबाते हैं। गुरु के सहित सिख्य सब बूढ़े, बूढ़ना यानी डूबना, सिख यानी शिष्य, वो गुरु पाखंड को करते करते खुद भी डूबते हैं, अपना जीवन बर्बाद करते हैं और साथ ही साथ दूसरे जो शिष्य होते हैं उनको भी
डुबो देते हैं, क्योंकि वास्तविक ध्यान को नहीं करवाते, आत्मा का ज्ञान नहीं करवाते हैं। अंतकाल पछताना और अंत में वो पश्चाताप करते हैं। कैद कबीर सुधो भाई संतो की सब्त मन भर्म भुलाना। कबीर दास जी सज्जन पुरुषों को अपनी बात कहते हुए कहते हैं कि ये पाखंडी इस ब्रह्म पटक के ओर भूल, सारी वास्तविक बात को भूल गए। किस पाखंड में? कर्मकांड के अंदर पढ़ करके, यज्ञ में पढ़ करके, साधना में पढ़ करके, दिखावे की जो है ईश्वर प्राप्ति के ढोंग करके, जगह जगह धर्म स्थानों पर जा करके यात्राएं कर करके, और वो इस ब्रह्म में पड़ गए हैं कि वो वास्तविक मर्म को भूल गए हैं, वास्तविक आत्मा में बैठे हुए परमात्मा को भूल गए हैं, भगवान को भूल गए हैं। कहते कि कहो कहाँ नहीं मान। अब उन वो लोग इतने अहंकारी होते हैं कि कहते कि कितना भी कहो कहा नहीं मानते। वो सज्जन पुरुषों का, सतपुरुषों का कहना नहीं मानते हैं। सहज सहज स्वभाव, सरल से सरल रूप में भी अगर आत्मा में बैठे हुए भगवान को पहचान लेते हैं तो आसानी से भगवान को मिल सकते हैं। इस बात को वो जानते नहीं है। तो कहा कि हम ईश्वर से प्रेम के द्वारा, दया के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, आस्था के द्वारा, धर्म ध्यान के द्वारा हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। तो हम मनुष्यों को कभी भी किसी पाखंड में, किसी दिखावे में, किसी अहंकार में नहीं पड़ना चाहिए, और हमें सच्चे मन से जहाँ रहते हैं वहीं आत्मा को परमात्मा समझ करके याद करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, ना परोपकार करना चाहिए, तो ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। तो आज अपने ये अपना दिन पर था पहले पाठ का, वो पढ़ा, कल अपन अगला लेंगे। इसके नीचे मैं कुछ प्रश्न दे रहा हूँ, उन प्रश्नों उत्तरों को अपने नोटबुक में अवश्य करना, ताकि आप परीक्षा के प्रश्न